गरीब जनता हमेशा नेताओं, अधिकारियों और मनमानी करने वाले ठेकेदारों के बीच पीसती रहती है। मामला बलौदा बाजार जिले की बिलाईगढ़ नगर पंचायत का है, जहां एक सप्ताह में दो बार बाजार लगते हैं, जिसकी नीलामी हुई और नीलामी में यह सूची भी दी गई कि ठेकेदार को किस सामान के विक्रेता से कितना रुपया टैक्स के रूप में वसूलना है। लेकिन ठेकेदार ने नियमों को ताक पर रखकर अपनी मर्जी से पैसा वसूली करना शुरू कर दिया है, जिसकी रसीद भी व्यापारियों को नहीं दी जाती। ठेकेदार के गुंडे मांगी हुई राशि नहीं मिलने पर दुकानदार का सामान फेंकने और दोबारा इस बाजार में नहीं बिकने की धमकी देते हैं। इस आम बाजार में बहुत सी बुजुर्ग महिलाएं आती है, उनका सब्जी 50 से 100 रुपए का होता है और उनसे 30 रुपए की वसूली की जाती है, जबकि नियमानुसार उनसे सिर्फ 10 रुपए ही ठेकेदार को लेना चाहिए। सराफा व्यापारियों से 10 रुपए की जगह 100 रुपए लिया जाता है। इसकी शिकायत सराफा व्यापारियों ने की थी, तब कार्यवाही भी हुई थी, जिस पर माफी मांगते हुए ठेकेदार ने अपना काम सही तरीके से जारी रखा था। लेकिन अब फिर से ठेकेदारों की मनमानी और गुंडागर्दी चालू हो गई है, जिससे आम व्यापारी और आसपास के सब्जी विक्रेता प्रताड़ित है। यह मामला सिर्फ बिलाईगढ़ आम बाजार तक सीमित नहीं है, पूरे ब्लॉक में ठेकेदारों की मनमानी है। मनमानी करने वाले ठेकेदारों के ऊपर उचित कार्यवाही नहीं होने से इनके हौसले बुलंद हैं। यहाँ 100 रुपया हर मंगलवार को मैं देता हूँ। रसीद देते हैं उसका? नहीं, रसीद नहीं देते। तो क्या इस मामले में कभी शिकायत किया है? हाँ, इसके संबंध में लिखित एप्लीकेशन दिया था, लेकिन ना यहाँ वसूली ज्यादा लिया जाता है। 100 रुपये प्रति दुकान 400 रुपये। कितने वर्षों से हो रहे हैं? लगभग 2 वर्षों से चल रहा है। तो क्या उसका रसीद देते हैं ठेकेदार? रसीद किसी प्रकार की रसीद नहीं देते। तो इस मामले में कभी शिकायत की है नगर पंचायत में? नगर पंचायत में शिकायत करने गए थे, उनका कहना है कि नगर पंचायत इसके संलग्न है, इसके शिकायत करना है। इस मामले में नगर अध्यक्ष यूसुफ खान का कहना है कि और भी कई बार शिकायत आई थी, तब कार्यवाही की गई थी। अगर इस प्रकार की कोई लिखित शिकायत आएगी तो तुरंत कार्यवाही की जाएगी। इस टाइप की शिकायतें पहले भी कुछ लोगों ने की थी, नगर पंचायत मिलाई के द्वारा विधिवत ढंग से कार्यवाही भी किया गया था। अगर ऐसी किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है तो पब्लिक सीधे नगर पंचायत में आकर करे, निश्चित रूप से ऐसे विषयों को हम। आम लोगों के लिए नगर पंचायत है और ऊपर अधिकारीगण है, लेकिन क्यों कोई ऐसे ठेकेदारों के ऊपर कार्यवाही की मांग नहीं करता? यही वजह है कि ठेकेदार बेफिक्र होकर मनमानी कर रहे हैं।